माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, दिनांक 26 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में एक बड़ा कांड होने वाला है मित्रों। इस विचित्र घटना के आगे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आइए सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं मित्रों पंचांग पर, तो आप सभी को बता देते हैं कि 26 अक्टूबर को गुरुवार का वार है, साथ में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। एवं मित्रों, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि सप्तभिषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है एवं ध्रुव और व्यघात नामक योग भी बन रहा है। और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो मित्रों सिंह राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है वह मेष राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है, क्या सावधानियां हैं और क्या खुशखबरियां हैं, समस्त बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों, गुरुवार का वार है तो 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। परमात्मा आपकी जल्दी ही सुनेंगे और अगले 24 घंटों में ही मनोकामना पूरी होगी। तो आइए अब मित्रों, जब समय की शुरुआत होगी तो आपको सकारात्मक रहना है, मन में बिल्कुल भी नकारात्मकता नहीं आने देना है और आपको जरूरी काम समय रहते निपटा लेने हैं मित्रों, ताकि आप अपने निजी जीवन पर भी ध्यान दे पाएं और अपने परिवार को भी वक्त दे पाएं। मित्रों बता देते हैं कि आपको बेवजह किसी से भी नहीं उलझना है। बोलचाल के लहजे को आपको एकदम सटीक रखना है। कुछ लोग अपना सच सुन के आपके खिलाफ विरोध कर सकते हैं। अपने कार्य करने की प्रणाली और नीतियों पर दोबारा विचार करें तो आपको उचित परिणाम हासिल जरूर होंगे, क्योंकि आप अपनी गलतियों को ढूंढने में सक्षम रहेंगे। और किसी निकट संबंधी से कोई मनमुटाव चल रहा है तो सकारात्मक तरीके से उसे सुलझाने का प्रयास जरूर करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी और किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर भी आपको मिलेगा। मित्रों इस वक्त किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश ना करें। मित्रों माना परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इस वक्त इस नियम को अपने जीवन से दूर ही रखें। माता पिता या उनके समान किसी भी सदस्य के मान सम्मान में कमी ना आने दें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके भाग्य को बदल देगा और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखना उचित रहेगा। मित्रों एवं व्यवसायिक विकास के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। मित्रों उत्तरार्ध में आपको कोई अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। इस ऑफर को ठुकराना नहीं है, इस ऑफर को आपको जल्दी से जल्दी पा लेना है। और मित्रों रियल इस्टेट से जुड़े कारोबार में बहुत अच्छी डील होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन को
खुशनुमा बनाकर रखने में आपका साथ बहुत जरूरी है और अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। तनाव और एंजाइटी से बचने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा मित्रों। और मित्रों, पिछले लंबे समय से आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, वह समस्याएं अब खत्म होने वाली है और आपके जीवन में पुनः सकारात्मकता आएगी। मित्रों, बाकी समय की तुलना में यह समय आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। किसी प्रेतक संपत्ति संबंधित मामले में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा। मित्रों, बता देते हैं कि संपत्ति से संबंधित मामलों में बहुत बढ़िया योजनाएं भी बनेगी और आप प्रत्येक कार्य को बिना संकोच किए करेंगे, क्योंकि जहां जहां पर आपने संकोच किया है, आपके जीवन में दिक्कतें बड़ी ही है। करियर को लेकर आपका कोई बड़ा निर्णय मित्रों आपको आगे टालना पड़ सकता है, और ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति मित्रों आपके लिए नकारात्मक बातें फैला सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अगर आपको छोटी बात बोलता है तो आपको पलटकर जवाब नहीं देना है। बता देते हैं कि आपके आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है और गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को आपको सुलझाना होगा, क्योंकि मित्रों घरेलू विवाद यदि घर से बाहर गए तो इसमें बदनामी किसकी होगी? आपकी होगी। इसलिए घरेलू विवादों को मित्रों घर में ही सुलझा लें और आपके लिए आध्यात्मिक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए यह समय रहेगा। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट लंबे समय से चल रहा था तो आपके कष्टों में कमी आ सकती है। आप यदि किसी से कोई वस्तु मांगेंगे तो उसके लिए जिद व अहंकार बिल्कुल भी ना दिखाएं। आपके परिवार में यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो उसमें दोनों पक्षों की सुनकर कोई निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपने सिर्फ एक पक्ष की सुनी तो हो सकता है कि इससे रिश्ते और बिगड़ जाएं। जो लोग नौकरी में कार्य कर रहे लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान भी भटक सकता है। मित्रों, व्यापार के मामले में वैसे तो समय सामान्य रहने वाला है। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और किसी सरकारी योजना का आप पूरा लाभ उठाएंगे। मित्रों, आर्थिक मामलों को लेकर यदि आप परेशान थे तो वह पहले से ही बेहतर होंगे। माता जी को कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, तो अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहें और बेहतर होगा कि मित्रों आर्थिक मामलों को लेकर भी आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं। पैसों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप अपने भाई के विवाह को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो आपके वह समस्या भी दूर होते देर नहीं लगेगी। लेन देन के मामलों में आपको सजगता बनाए रखनी होगी और किसी अजनबी पर भरोसा करना आपको नुकसान दे सकता है। मित्रों, आपके लिए दाम्पत्य जीवन का यह समय अच्छा रहेगा। आपको निजी विषयों में सावधान रहना होगा और व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। स्थायित्व की भावनाओं को बल मिलेगा और आप सभी को जोड़ने में मित्रों सफल रहेंगे। आप सबको जोड़कर
आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने कुछ जरूरी कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है और संतान से आपको किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो इससे आपकी संतान गलत सीख लेगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, क्योंकि मित्रों इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बनी हुई है। आपके लिए यह समय ऊर्जावान रहने वाला है, आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। और नौकरी में कार्य कर रहे लोग यदि अपने जूनियर से कोई मदद मांगे तो वह भी उन्हें आसानी से मिल जाएगी और आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। आपको कार्य क्षेत्र में यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो आप उसे भी आसानी से पूरा कर पाएंगे, लेकिन आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिवार के किसी सदस्य के विवाह का प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा यह समय। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा, लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे मित्रों और बता देते हैं कि आने वाले समय में यह वक्त आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, लेकिन आपको भावनात्मक मामलों में उतावलापन नहीं दिखाना है, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपने घर की सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे और आपको यदि किसी काम को लेकर लंबे समय से समस्या चल रही थी तो आपका वह काम भी पूरा हो सकता है। किसी हर्ष और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन आपके घर में हो सकता है और मेहमान का मित्रों जमावड़ा भी लगा रहेगा। यदि आपने किसी घर मकान दुकान आदि को खरीदने का सोचा है तो उसमें आप पूरा ध्यान दे पाएंगे, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। संतान को आप संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अधिकारियों की किसी गलत बात को लेकर हाँ में हाँ ना मिलाएं और रक्त से संबंधित रिश्तों में मजबूती आएगी, खून के रिश्ते मजबूत होंगे। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात होगी और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त वीडियो की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस वीडियो को यहीं से विदा की